नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चुनाव हो और आधी आबादी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आधी आबादी के साथ के बिना आज की तारीख में कोई सरकार बन ही नहीं सकती। और देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी के ऐलान ने महिला वोटर की अहमियत को और जाहिर कर दिया है। यूपी कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स की भूमिका को देखते हुए उनके लिए तरह तरह के लोक लुभावने वादे कर दिए। प्रियंका गांधी की घोषणा ने एक बार फिर चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया है। चुनाव दर चुनाव ये साबित होता आया है कि न सिर्फ महिलाएं चुनाव में साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही हैं, बल्कि अपनी भागीदारी को भी साइलेंट तरीके से आगे बढ़ा रही है। ये बेवजह नहीं है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं को चुनाव में साइलेंट फैक्टर कहा गया, जो खामोशी से सत्ता की बिसात को बदल कर रख देती है। हाल ही में मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में। इस दौरान महिलाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ लगी रही। एक के बाद एक तरह तरह के वादे किए गए, तमाम कवायदे की गई। इन सभी राज्यों में सभी दलों के चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे हुए। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन की पिछले साल हुई जीत में भी महिला मतदाताओं का बेहद महत्वपूर्ण योगदान माना गया। साइलेंट वोटर की बदौलत ही तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार ने गद्दी बचाने में कामयाबी हासिल की। राज्य से अलग राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तबके को लगातार फोकस में लिया और उन्हें मिली लगातार जीत और समर्थन के पीछे भी इसी तबके का सबसे बड़ा हाथ रहा। चाहे पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना हो या फिर महिलाओं के नाम पर शौचालय देने की बात हो, महिला वोटर्स पर उनका अच्छा खासा फोकस रहा, ये देखने को मिला। महिला अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव के केंद्र में पिछले कुछ सालों में आया है। यूपीए 2 में निर्भया केस के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, सियासत में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला और यूपीए 2 सरकार की बड़ी हार के पीछे इस आंदोलन को भी एक बड़ा कारण माना गया। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह इनकी वोटिंग में 10-15% तक इजाफा हुआ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या और बढ़ी। ऐसे में जब महिलाएं सियासत की दशा और दिशा बदलने का सामर्थ्य रखने लगी, तब उनकी भागीदारी को लेकर नए सिरे से चर्चा उठना स्वाभाविक है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन 2022 की भी साथ, किसको मिलेगा महिला वोटर्स का साथ? महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। 2022 के बिसात में उत्तर प्रदेश में तमाम दल इस समय जुटे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, किसको मिलने वाला है महिला वोटर्स का साथ? चुनावी समर क्यों इतना जरूरी है साइलेंट वोटर? कांग्रेस की रणनीति क्या काम आएगी 40% की नीति? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की चुनावी डगर, क्या टिकट देने से होगा असर? क्या असर होगा, क्या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ नीति रहने वाली है? बीजेपी के दावे की अगर बात करें तो बीजेपी का दावा क्या पूरा होगा? सत्ता वापसी का उनका इरादा? आधी आबादी की बारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? आज इन तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं दावा जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव काका जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डीएस मिश्रा, नेता बीएसपी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुमा आचार्य जी आपके साथ करना चाहूंगी। आप एक महिला हैं, महिला वोटर्स का या यूं कहा जाए साइलेंट वोटर्स का इस बार किस तरह का दबदबा देखने को मिलेगा? तमाम दल इन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं, खासतौर पर अगर कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए आपसे सवाल करूं तो क्या कोशिश है कांग्रेस की? क्या वाकई में महिलाओं के तमाम मुद्दों के साथ, उनके उत्थान के मकसद के साथ, उनका वोट पाते हुए उनके भविष्य की तस्वीर बदलने का इरादा रखती है कांग्रेस?
शिल्पा जी, एक तो पॉजिटिव एजेंडा सेट हुआ है, लेकिन ये कोई भावुक ऐलान नहीं है, ये बहुत सोचा समझा ऐलान है जिसके बारे में प्रियंका गांधी जी ने कहा है, और एक ऐसी बात है जिसमें सेवा और बदलाव की बात है जी। जिसके आगे विभाजन, नफरत और जाति धर्म के मुद्दे फीके पड़ रहे हैं। तो और ये हमने देखा है कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है वो उनके बड़े दिल की करीब बात है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत दिनों से हम सभी पार्टियों के महिलाओं को लेके नारे सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन नारे को और सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने में दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। शिल्पा जी, मेरी आवाज खुद को, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि आपकी आवाज क्लियरली आ रही है अनुमा जी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ओके, आई विल मेक दैट करेक्ट। देश का संविधान जब बना था जी, तब से ही महिलाओं को बराबरी से वोटिंग का हक जो है हमारे संविधान में डलवाया था, जो कि अमेरिका तक में नहीं हुआ। अमेरिका में करीब 150 सालों के बाद महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। तो कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की है, पहला महिला मुख्यमंत्री, पहले महिला राष्ट्रपति, पहले महिला राज्यपाल, ये सब कांग्रेस ने हमें इस देश को दिया है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने ठीक है अपनी भूमिका में थोड़ा देर से आई, लेकिन कांग्रेस ने वो बात की है जो देश की बात है, जो देश की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश जैसे शहर प्रदेश में जहाँ महिलाओं के अत्याचार इतने ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा होने के बाद प्रशासन महिलाओं की तरफ नहीं होता, पीड़ित की तरफ नहीं होता, ऐसे समय में अगर महिलाएं सड़क पे आएंगी, नेतृत्व करेंगी, तो उनका सशक्तिकरण अपने आप में होगा जी। ऐसे में अनुमा जी, क्या आधी आबादी के दम पर, महिला वोटर्स के दम पर कांग्रेस यूपी फतेह कर लेगी? ये एक शुरुआत है, ये एक पहल है, कोई बड़ा दावा नहीं किया गया है। ऐसी पहल का स्वागत होना चाहिए। अभी एक चीज है कि जब महिलाएं आगे आएंगी, अपने बारे में बोलेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, हो सकता है कि पहली बार में उनको वो कामयाबी ना मिले, लेकिन एक रास्ता खुला है, करुणा की राजनीति का, संवेदना की राजनीति का, सौजन्यता और सौहार्द की राजनीति का, और महिलाओं का आगे, जैसे कि हम बीजेपी को देखते हैं कि वो इस तरह के अभियान करती है, महिलाओं को अगली पांत में सजावट की वस्तु की तरह पेश करती है। बीजेपी ने महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिए। मैंने खुद देखा है गुजरात में एक कमल मेहंदी अभियान चलाया, महिलाओं के हाथ में कमल का फूल बनाना। तो अल्टीमेटली आप महिलाओं को सशक्त नहीं बना रहे, उनको वही बता रहे हैं कि आप घर की सजावट है, बस ये करते रहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने एक बड़ी पहल की है, और इससे बाकी जो पार्टियां हैं और खासतौर पर बीजेपी थर्रा गई है, और इसलिए काफी सारे हमने बयानबाजियां सुनी है जिनका कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है। तो यहाँ सफलता से पहले पहल की बात आती है। जवाब देंगे धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, महिलाओं का आपको, आपकी पार्टी को पूरा समर्थन मिला, वोट मिला, लेकिन महिलाओं को सशक्त करने के बजाय उनका इस्तेमाल करने का यह आरोप, क्या कहेंगे आप? और कांग्रेस इस बार पूरी तरह से तैयार है, प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। शिल्पा जी, ऐसा है कि अभी तुरंत नारी शक्ति की पूजा का त्योहार नवरात्र बीता है, उसकी सबको बधाई देता हूँ बीते हुए नवरात्र की जी। और जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता की बात, आपका जवाब आप चाहती हैं, विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी हैं, तो बहन की कभी मैं स्वागत करता हूँ, और नारी शक्ति हैं वो भी, उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी परमानेंट कमीशन के लिए महिलाओं को परमिशन दिया। कांग्रेस ने 70 साल के राजनीति में तो नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट से जो परमिशन आया कि महिलाएं परमानेंट कमीशन हो सकती हैं, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, रक्षा मंत्री ही महिला को बना दिया, वित्त मंत्री महिला को बना दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना बड़ा सम्मान दिया है महिला को, कभी दिया है भविष्य पीछे के इतिहास में? दूसरी बात पे मैं आता हूँ, आप सीडब्ल्यूसी में खुद की महिला है, तीन महिला में दो उनके घर की, एक माँ एक बेटी, और तीन बहन अनुपमा, आपने बहुत गंभीर अनुमा जी है, बहुत सी बातें कही, धनंजय जी नहीं आया प्लीज, उनका नाम अनुमा जी, अनुपमा नहीं। हाँ तो जी, अनुमा जी, अनुमा जी, तो तीन सीडब्ल्यूसी में मेंबर है और तीन इनवाइटी है।
10% की आबादी भी नहीं है सीडब्ल्यूसी में। दूसरा, कांग्रेस रूल जहां जहां स्टेट है वहां मंत्रियों की संख्या बता दीजिए आप कितनी है, कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। हाँ बहन मेरी ठीक कह रही थी कि जो प्रियंका जी कह रही है उनके मन का दर्द है। वो कहती है कि मैं लड़की हूं, मैं भी लड़ सकती हूं। वो अपने परिवार में अपनी पार्टी में जो अपने लिए जद्दोजहद कर सकती हूं, देख रही है कि भाई साहब फेल कर गए हैं तो मुझे भी जगह दो, मैं लड़की हूं लेकिन लड़ सकती हूं। वो अपनी बात कह रही है शायद, और वो कह रही है कि मेरा बस चलता तो 50% कर देती। तो उनका बस कौन रोक रहा है? उनके परिवार की पार्टी है, वो इम्पावर्ड है, उनका बस क्यों नहीं चल रहा है? यानी कि वहां भी अपने आप को मजबूर महसूस कर रही है। दूसरी बात, हमारी पार्टी की अगर बात करें आप, तो प्रधानमंत्री की अगर योजनाओं को आप उठाकर देखें, जनधन योजना जिससे महिलाओं को स्ट्रेंथन मिला, आप उज्ज्वला योजना उठाकर देखिए, उज्ज्वला योजना सिर्फ वो गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है जो महिलाओं को दिया गया। आप समझिए, लखनऊ में बैठी हुई महिलाएं, मुंबई में बैठी हुई महिला, दिल्ली में बैठी हुई और गांव के गांव गरीब कस्बे में एकदम बैठी हुई महिला, उस समानता वहां से आती है। समाजवाद असली यही है कि उसको भी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस के धुएं नहीं लगेंगे, वो भी उसी गैस उस चूल्हे के धुएं नहीं लगेंगे, वो भी उसी गैस से खाना बना रही है जिसे दिल्ली मुंबई और लखनऊ में बैठी हुई महिलाएं बना रही हैं। यह असली सशक्तिकरण है, जो गांव गांव में विद्युतीकरण की योजना आई, महिलाओं को अंधेरे से मुक्ति मिली, जो शौचालय बनाया गया हमारी माताओं को। धनंजय गिरी जी, आप लोग कितने आश्वस्त हैं, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर दोबारा से महिला वोटर्स का समर्थन आप लोगों को मिलेगा, दोबारा से आप सत्ता वापसी करेंगे, कितने आश्वस्त आप लोग? देखिए अच्छा, महिला पहली बार मुस्लिम महिलाएं हैं, 3 तलाक बिल हटा करके जो मोदी जी ने उनके जीवन में क्रांति लाई, तो महिलाएं तो पूरी तरह से महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और मोदी जी ऐसा क्यों कर पाए समझिए, वो खुद एक गरीब माता के पुत्र हैं, उन्होंने देखा है गांव गरीबी किसान मजबूरी को, एक माता के दर्द को, एक स्त्री की प्रॉब्लम को उन्होंने समझा है, और इसीलिए वो मौन में मुखर हैं। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला के उद्धार के लिए, महिला को स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ महिला सजावट की वस्तु नहीं होती है बहन, ये कांग्रेस कल्चर है हमारे यहाँ नारी। जल्दी से हनुमा जी से जवाब लूंगी, उसके बाद और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन हनुमा जी जल्दी से इस पर आपका छोटा सा रिएक्शन। कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को अगर इतनी फिक्र थी महिलाओं की तो आज तक क्या किया? इतिहास पर नजर डालकर देख लीजिए, ये आरोप है आप लोगों पर, सवाल है आप लोगों से, जवाब दीजिए मैम कि अब आपकी घोषणाओं पर कैसे विश्वास किया जाए? शिल्पा जी, पहले तो मैं इनके एक अधकचरे ज्ञान को ठीक कर दूं। ये महिलाओं के परमानेंट कमीशन की बात पे पता नहीं क्यों आ गए, इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं उसके बारे में। पर मैं बता दूं कि यूपीए के समय में पहली बार महिलाओं की एंट्री हुई थी और मैं उसी समय की अधिकारी हूं। 93 में मैं कमीशनड ऑफिसर बन गई थी और 2010 में मुझे परमानेंट कमीशन यूपीए के रहते हुए मिला और हमारे उस केस ने रास्ता खोला। और दूसरी चीज, अरे चुप रही है, कुछ पता आता नहीं है, कहां से मिल गया इनको, मुझे समझ में नहीं आता। बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, चुप रही है आप। मैं आपको अभी भेज देता हूं। जब आपको पता नहीं है जो चीज, उसके बारे में मत बोलिए। आप किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, आप किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रही है। कमीशन नहीं दे रही है और आज की बहस परमानेंट कमीशन पे थी भी नहीं, उसको अभी भी नहीं मिला है और वो लड़ाइयां लड़ रही है, उनकी लड़ाई जारी है। ये तो हुई बात एक। दूसरी चीज, कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस ने ही पंचायती राज में महिलाओं को, हमारी पार्टी महिला को रक्षा मंत्री बनाती है। ये बीच में बोलने की इनको तमीज को थोड़ा सा प्लीज कोई समझाए कि हमने जब इनके बीच में नहीं बोला तो ये क्यों बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं पहले थोड़ा बहुत पैसा आड़े वक्त में बचा देती थी, पहला झटका तो उनको डिमोनिटाइजेशन के समय लग गया। आज उनकी चूल्हे चक्की के ऊपर सीधा प्रहार हुआ है, महंगाई बढ़ी है। कहां ये गैस की बात कर रहे हैं, दूसरी बार किसी को मिली नहीं उज्ज्वला की गैस। आज गैस के जो दाम है, कुकिंग गैस के जो दाम है, देखिए ऐसा है के दाम कि जो कांग्रेस पार्टी जो गरीब आदमी बैंक की तरफ मुंह करके खड़ा नहीं हो सकता था, गरीब आदमी बैंक की तरफ खड़ा होने से बारे में तो सोचना ही होगा। ठीक है, आप तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आज की तारीख में उनका रसोई का बजट पूरी तरह से जो बिगड़ गया है बढ़ती महंगाई के चक्कर में, कहीं उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना ना पड़े। चले ठीक है, आप दोनों के पास मैं आऊंगी, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव काका जी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, कुल मिलाकर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 की पूरी बिसात महिलाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्योंकि महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है और ये बात हर राजनीतिक दल समझ रहा है, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाता हुआ। शिल्पा, बहुत ही संवेदनशील विषय है और जनमुखी विषय है, और जब आप वैश्विक परिदृश्य में देखेंगी तो कई सारे कंट्री के, न्यूजीलैंड के जेसिंडा अर्डन जी हैं, और दुनिया भर में महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और
समाजवादी पार्टी का तो ये मानना है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि दुनिया भर में जितने तरह के भी गैर बराबरी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे तुरंत जो खत्म की जानी चाहिए गैर बराबरी, वो स्त्री और पुरुष के बीच में। कई सारे सवाल साथियों ने और जो महिला पैनलिस्ट बैठी हैं उन्होंने ठीक सवाल किया और साथी ने भी, एक गरीब माँ का बेटा होना बड़ी अच्छी बात है लेकिन एक गरीब पत्नी का पति होना भी अच्छी बात है, किसी को बीच रास्ते में छोड़ करके और महिला संवर्धन और महिला के आगे बढ़ाने की जो बात की जाती है, तो कम से कम जो लोग बात करते हैं उनके चरित्र में कहीं भी महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना, विचार और व्यवहार में समता होनी चाहिए। आप बात करते हैं महिला सम्मान की और साथ देते हैं चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी का, तो आपकी सारी विचारधारा की वहीं पोल खुल जाती है। और जो बात हमारे पुराणों और शास्त्रों में है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि तकनीक की, विश्वास की, आगे बढ़ने की और सभी चीजों को मात देने की शक्ति है, उसको सिर्फ पूजा मात्र और दकियानुसी ठीक है। मनोज यादव काका जी, आप मुझे ये बताएं, कांग्रेस ने तो तमाम घोषणाएं कर दी है, समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर क्या रणनीति अपनाती हुई, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर क्या घोषणाएं होने वाली है आपकी तरफ से, क्या करने वाले हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब जब सरकारें रही हैं महिला संवर्धन के लिए कन्या विद्या धन दिया है, 18 लाख लैपटॉप बचा तो बटा 2017 से पहले जब हमारी सरकार थी उसमें भी बड़ी संख्या में बेटियों को लैपटॉप मिला है, और कन्या विद्या धन जो सवाल है समाजवादी पार्टी में 30,000 रुपया प्रति बेटी को मिलता है, और उससे आगे हम लोग टैबलेट देना चाह रहे थे बेटियों के लिए। हमारे यहाँ अगर आप राजनैतिक रूप से देखें तो माननीय डिंपल यादव से देखे लीलावती कुशवाहा, जूही सिंह, नेहा यादव, तो 12 से लेकर 17 तक आपके कामकाज में कुछ कमी रह गई थी, जो आधी आबादी का समर्थन बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे में उस समर्थन को वापस लाने के लिए क्या कुछ अतिरिक्त आपकी पार्टी की तरफ से किया जाएगा? समाजवादी पार्टी वो हर प्रयास करेगी, समाजवादी पार्टी का समूल प्रयास ही है कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद और गैर बराबरी होनी नहीं चाहिए। उसका सवाल उसके सिर्फ हिस्सेदारी का नहीं है, उसके भागीदारी का है। और जब हमारा साधारण सा नारा बहुत साधारण शब्दों में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बेटियां मां संख्या बढ़ रही है बढ़े तो भागीदारी भी बढ़ेगी, पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष में दिशा और दशा भी अध्यक्ष महिला ही अखिलेश यादव जी की यही विचारधारा आपके पास। और हम डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ बीएसपी की तरफ से मौजूद है, उस तरह का महिला का सम्मान डॉक्टर मिश्रा हम लोग आपकी पार्टी मुखिया खुद एक महिला नहीं करते कि ऐसे में आप लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए किस रणनीति के साथ इस बार 22 की बिसात बिछाने वाले हैं? देखिए कोमल जी, सबसे बड़ी चीज तो ये समझिए कि इस प्रदेश में 45% के लगभग महिला वोटर हैं और 10% सहभागिता है उनकी जी। इस बार कुल लगभग 40 के आसपास में विधायक बने हुए हैं, मेरी आवाज जा रही ना जी सर, आ रही है, महिला विधायक बनी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी ये विडम्बना है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात कि वो 40% टिकट देंगी, तो टिकट 40% दें या 100% दें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है। मैडम अभी नाराज हो जाएंगे, बहुत तेज वो नाराज होती हैं, ये इनसे निवेदन है कि जो भी बोलें चाहे किसी प्रवक्ता के पद बोलें, आप फौजी रही हैं लेकिन आपका जो व्यवहार है वो सदा महिला की तरह, माँ की तरह, बहन की तरह होना चाहिए। आप बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर ऐसे बरस रही थी जैसे लग रहा था कि फौज में आप इंस्ट्रक्शन दे रही अपने सबॉर्डिनेट को, ऐसा नहीं है, भाषा का हमेशा मर्यादा रखें। बीजेपी प्रवक्ता ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे थे जो उनका नहीं, वो ऐसी बात कर रहे थे कि जरूरत नहीं थी, मुद्दे पर रहे हैं, आप सुनूंगा मैं आपकी, आपकी बहन जी आपकी सुनूंगा, आप एक फौजी हैं मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपको सुनूंगा, मुझे सुनने में दिक्कत नहीं है, मैं बहुत इतना बैठ के सुन रहा था आपको, प्लीज बंद बैठ सुनिए। 2012 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में, पहले सुनिए आप, 2012 के सुनिए तो, अरे विनम्रता के साथ सुनिए तो, ये आपको आपकी बात को बता दे रहा हूँ दीजिए मिश्रा जी, प्लीज कंप्लीट योर सेल्फ, अरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए, मैं तो आपकी बात बता दिया कि एक महिला जो होती है ना माँ होती है, एक महिला बहन होती है,
बहन से बढ़िया सुधारक कोई नहीं होता, माँ से अच्छा पालक कोई नहीं होता है, तो ऐसे में एक आपसे ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन किया हूँ। बाकी आप और चिल्लाएं और डांटें, ये आपकी मर्जी है, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। आप रिटायर फौजी हैं तब भी मैं आपका सम्मान करूंगा। सुनिए मेरी बात को, 2012 में 36 महिलाएं विधायक हुई, 2017 में 40 हुई, मात्र 10% का ग्रोथ हुई। अब आप कह रहे हो कि आप 40, देखिए अभी भी क्या है, टिकट हमारे यहाँ आरक्षित अभी निकाय चुनाव में देखिए, जिला पंचायतों के चुनाव में देखिए, प्रधानी के चुनाव में देखिए, लेकिन सच क्या है इस देश का, इस प्रदेश का और इस देश का सच यह है कि पति प्रधानी करता है, लिखाता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उसको प्रति हटा देना चाहिए, प्रतिनिधि हो जाना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं है। ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं, चलाता कौन है, पुरुष चला रहा है। ये विडंबना खत्म होनी, ये कब खत्म होगी, ये तब खत्म होगी जब आप थोड़ा महिलाओं को शिक्षित करेंगी, महिलाएं पढ़ेंगी, अंगूठा छाप से ऊपर आएंगी। आप आरक्षण देकर के देश नहीं सुधार सकती हैं, उनकी जमीनी हकीकत को सुधारिए। सबसे बड़ी चीज, आपकी नेता प्रियंका गांधी जी जो है वो स्वयं संघर्ष कर रही थी पुरुषों के अगेंस्ट, बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी को बीट कर पाई हैं, और आज वो अपने समाज में आकर मुझे लगता है कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर उसको छोड़ देते हैं। बीएसपी की क्या रणनीति है, उस पर आपसे मैं जवाब चाहूंगी। हाँ, बीएसपी तो बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता जो सबसे ज्यादा संवर्धक और पोषक रही हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उनके राज में एक कोई भी महिला पे अत्याचार होता था, लेकिन फिर बार बार बीएसपी को यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों नकार दिया, ना 2012 में चुना ना 2017 में चुना, बार बार कहाँ नकारा भाई। अरे चार ये बताइए, एक छोटा सा दल बहुत गरीबी से उठ करके जहां पहुंचा और चार चार बार मुख्यमंत्री वो बहन कुमारी मायावती जी बनी। अरे ये भी एक तरह का पार्शियलिटी है, लोग ये चाहते ही नहीं हैं, लोग ये चाहते नहीं कैसी तेज तरह जो आज यहां बात कर रहे हैं वही लोग उनके ऊपर कितने बड़ा अत्याचार किए हैं, इसको मैं अपने मुंह से कहूं तो अच्छी बात नहीं है। और महिला के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सच की पोषक है और संवर्धक है और निश्चित तौर पर महिला हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली है। चलिए, किस तरह की आपकी लड़ाई रहेगी उस पर मैं आऊंगी। जल्दी से अनुमा जी आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद रवि पाराशर जी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से एक लाइन में अनुमा जी क्या कहना चाह रही थी आप? देखिए, ये जो बीएसपी के प्रवक्ता है उन्होंने ये बता दिया कि उनका झुकाव किस तरफ है और उन्होंने बात की। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके जरिए कहना चाहती हूँ कि आज अगर वो वकील हैं या किसान हैं तो मैं उनके मुद्दे में उनसे ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फौज का मुद्दा आया जिसकी जरूरत नहीं थी और जिसके बारे में अज्ञान था सामने वाले को, तो मुझे बोलना पड़ा। यहाँ मुझे ये कहना है कि कांग्रेस ने घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न के कानून बनाए, तो कांग्रेस ने हमेशा महिला को सशक्त करने की बात की है। आज आप जो भी कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस मुद्दे पर बात करिए कि क्या महिलाओं को केवल आप देवी, केवल आप माँ, केवल आप बेटी के रूप में देखेंगे? महिला अपने आप में एक व्यक्तित्व है और एक व्यक्तित्व की कद्र करना सीखिए और अपनी पार्टी में भी, जबकि जिसको नेतृत्व ही एक महिला, ना सिर्फ परिवार की बल्कि देश की भी दशा और दिशा महिला तय कर सकती है, इतना सामर्थ्य एक महिला के अंदर है। ठीक है धनंजय जी, आऊंगी सर, आऊंगी आपके पास। धनंजय जी प्लीज इत्मीनान के साथ। रवि पाराशर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस ने तो महिला कार्ड खेल दिया, अब ऐसे में कांग्रेस की प्रियंका गांधी की इन महिलाओं को लेकर तमाम घोषणाओं के बाद दूसरे तमाम दलों पर किस हद तक दबाव पड़ने वाला है, अन्य दल भी किस हद तक मजबूर होने वाले हैं अपने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर अनाउंसमेंट्स करने को लेकर। तरंजय जी प्लीज दूसरों को भी सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही शिल्पा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने 40% सीटें यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं उस हिसाब से 160 से ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारने का ऐलान अगर किया है, तो सामाजिक तौर पर इसका एक असर और एक वातावरण जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो आपके इस फोरम पे अनुमा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि 160 अगर महिला उम्मीदवार उतारी जानी है तो हो सकता है कि अनुमा जी
बहुत सतर्क प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं महिलाओं के प्रति और दूसरे देश के जो और बाकी मसाइल हैं, मुद्दे हैं। हो सकता है कि इस बार टिकट अनुमा जी को भी मिले, तो अग्रिम मैं बधाई देना चाहूंगा। जहां तक बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि तो मैं उनको एक ऐतिहासिक तथ्य बता दूं, माया वो सही कह रहे थे, मायावती जी उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रही हैं एक व्यक्ति के तौर पर। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कोई रहा है समय तक तो वो मायावती रही हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनके करीब सवा सात साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में सर पर मैला ढोने वाली महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रही। वे अब ठीक है, वो समझ गई हैं, अब अपने भाषणों में कह रही हैं कि वो अब मूर्तियां नहीं बनाएंगी, विकास करेंगी। कम से कम 1,500 जो सर पर मैला ढोने वाले लोग हैं आजादी के 70-75 वर्ष बाद, उनके पुनर्वास की तरफ अगर वो ध्यान देती अपने उस सात साल से ज्यादा के कार्यकाल में, तो समाज का बहुत भला होता। और दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के, अब असल में ये शिल्पा जी आप भी जानती हैं, आप भी महिला हैं, कि ये मसला ऐसा है कि इसका विरोध तो हो नहीं सकता। तो समाजवादी पार्टी, एक सवाल उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि करीब 17-18 साल पहले संसद में एक बिल आया था जिसमें ये व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो उस विधेयक के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सी पार्टी थी, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा सा अंतर मंथन करें इस बात पर, तो शायद उन्होंने जो कहा है। मुझे लगता है, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, किसी भी पार्टी को, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो देश में करीब करीब 6 दशक तक सत्तारूढ़ रही है, न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारों की धमक रही है, और भारतीय लोकतंत्र की में जो विकास की अवधारणाएं हैं उनकी नींव लेने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। और कांग्रेस अगर अब ये कह रही है कि महिलाओं को समाज में एक स्थान, उचित स्थान मिलना चाहिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कोई विरोध की बात नहीं। ऊपर उठकर महिला उत्थान को लेकर अगर कोई सामने आकर बात कर रहा है तो जाहिर तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। सवाल जैसे कि 2022 के बिसात किसको मिलेगा महिला वोटर्स का साथ, चुनावी समर क्यों इतना जरूरी है ये साइलेंट वोटर, महिलाओं को साइलेंट वोटर भी कहा जाता है, कांग्रेस की रणनीति क्या काम आएगी, 40% की नीति, यूपी की चुनावी जगह क्या टिकट देने से होगा असर, बीजेपी का दावा क्या पूरा होगा, सत्ता वापसी का इरादा, आधी आबादी की बारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अनुमा जी, आप ही के पास आऊंगी। 2017 की बात करें तो कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिए थे और इस बार इतनी लंबी छलांग, यानी कि 160 से भी ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की बात, ये बड़ा दावा किया गया है, क्या करने जा रही है प्रियंका गांधी आर्या पार के मोड में? देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा है वो पहले ही बात में उन्होंने कहा है, सेवा, बदलाव और करुणा की राजनीति। हमने जो पहले किया और जो अब हम करने वाले हैं, वो उसके बीच में बहुत सारा गंगा में पानी बह गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत हुई है, चाहे वो हम उन्नाव की बात करें, चाहे हम हाथरस की बात करें, हर जगह पर महिलाओं के साथ न केवल उत्पीड़न हुआ है, प्रशासन भी उनके अगेंस्ट खड़ा दिखा है। और यहाँ तक कि बेबी रानी मौर्य जो बीजेपी की ही है, उन्होंने ये तक कह दिया, कल ही का बयान है उनका, कि 5:30 बजे के बाद महिलाएं पुलिस स्टेशन ना जाया करें, अगर कुछ भी घटना हुई है तो अगले दिन का इंतजार कर ले। तो खुद ही ये चीज स्वीकार हो रही है। तो कांग्रेस ने अगर उसकी पहल की है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मीन मेक के बजाय ये स्वागत योग्य होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, अरे धनंजय जी, कांग्रेस कभी प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकवाद के आरोपी को टिकट नहीं देगी, कांग्रेस कभी स्मृति ईरानी जैसी ऐसी महिला को टिकट नहीं देगी जो महिला अत्याचारों पर बिल्कुल खामोश होती है, बाकी समय ट्रोल करने को आ जाती है। तो जो ये पहल है, ठीक है, हमने जो पहले किया, लेकिन आज की हम बात करें, आज अगर बदलाव की शुरुआत है तो आगे चल के बड़े पैमाने पर इसका हर पार्टी को या तो साथ में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं बना।
उनके पास आना ही पड़ेगा और महिलाओं का सशक्तिकरण का सच में कुछ काम होगा। कांग्रेस ने हमेशा एक मौका भी है आधी आबादी के पास ये देखने का कि महिलाओं की बातें करते तो सभी हैं लेकिन उसे सच कर दिखाने का मादा किस किस में है और कौन वाकई में उसे हकीकत में बदलना चाहता है। धनंजय गिरी जी जवाब देना चाह रहे थे। धनंजय जी, कांग्रेस कह रही है हमने तो भाई शुरुआत कर दी है, अन्य तमाम दलों को भी करना पड़ेगा और क्यों नहीं आखिरकार इसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति सकारात्मक तरीके से महिलाओं के उत्थान के विषय के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यों से सब चीजें समझ में आती है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को आप उठा कर देखें तो उसे पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कितने किस तरह से प्रतिबद्ध हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने क्या किया है आज तक भाई, उनके मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय को और मुख्यमंत्री कार्यालय को और गवर्नर हाउस को उन लोगों ने क्या बना के रखा था और महिलाओं ने आरोप लगाए, कई लोग अपना अनऑथराइज पुत्र अपने लड़े कि ये हमारे पिता हैं। इस तरह के कुकर्म कांग्रेस के कुकर्म छुपाए नहीं छुप सकते। और कांग्रेस कहती है गंगा कितना पानी बह गया, अरे गंगा का पानी बहाव से ज्यादा कांग्रेस बह गई। कांग्रेस कहीं नहीं है, खत्म हो चुकी है, अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस और महिला नारे वोटर्स के दम पर अलग अलग नीतियां बनाने, महिला सशक्तिकरण के दम पर वापस आने की कोशिश कर रही है, ये उसका अधिकार भी है, वो तो करेगी जाहिर तौर पर। ऐसे में आप क्या करने वाले हैं? आप अपनी आधी आबादी को कैसे अपने पास रिटेन करने वाले हैं? कैसे उनमें विश्वास जगाने वाले हैं कि आप हमें दोबारा चुनकर लाइए? बताइए। इनकी तिलमिलाहट डर का परिचय है। आपको समझा रहा हूँ जी, जब ट्रिपल तलाक हटा तो महिलाएं सशक्त हुई, मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई। जब आप जनधन योजना लाए महिलाएं सशक्त हुई। जब आप नल जल योजना लाए बहनों को जो पानी ढो के लाना पड़ता था किलोमीटर से किलोमीटर तक, वो सशक्त हुई। हर एक स्टेज पर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और हम कांग्रेस की तरह से नारे नहीं दे रहे हैं, हम मौन में मुखर हैं और महिलाएं भी मौन घोटा नहीं है। अच्छा धनंजय जी, क्या आपको इस बात का एहसास है? महिलाओं के लिए आप तमाम योजनाएं तो लाए लेकिन महंगाई को आप कहां से कहां ले गए? रसोई का पूरा बजट आपने महिलाओं का बिगाड़ कर रख दिया, क्या महिलाओं की नाराजगी आप लोग झेल पाएंगे? शिल्पा जी, अगर महंगाई पे बात करेंगे तो उसमें आपको, शिल्पा जी अगर महंगाई पे बात करेंगे तो आपको वैश्विक परिस्थितियों पे बात करनी पड़ेगी, कोरोना काल पे बात करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर एक चर्चा अलग से रख लेते हैं कि किस कारण से 80 करोड़ लोगों को बैठा करके दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा इतिहास नहीं है कहीं की बात कहीं से कर रहे हैं, आज महंगाई हमारे यहां है उसकी बात करिए ना। ठीक है, अगर आप उस पे ले जाएंगे तो आपको फिर वहां से जाना पड़ेगा, वहां से समझना पड़ेगा बातों को। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, सीडब्ल्यूसी में जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ 3 महिलाएं हैं, 3 महिला में 2 एक परिवार से हैं और ऐसे में आप स्ट्रेंथन की बात करती हैं। ठीक है, इस बार हनुमान जी जल्दी से आपसे जवाब, उसके बाद मैं मनोज काका जी के पास जाऊंगी। जल्दी से हनुमान जी, इतनी तिलमिलाहट ये बात बताती है कि कितनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और कहां की बात कहां से, महंगाई की बात, कोरोना और सब कुछ लाके सीधी बात करिए ना, अर्थव्यवस्था में जो चीजें हैं वो सबको दिख रही है, किसको नहीं दिख रही है? आज बढ़ी हुई महंगाई से आप अपनी लफाजियों से कहीं पूरा नहीं कर सकेंगे और आपको पार्टी लाइन क्यों करना है तो क्यों करिए, लेकिन इस बहस में आप ये मुद्दा बिल्कुल खो चुके हैं क्योंकि आप बार बार व्यक्तिगत प्रहार लोगों पर कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपनी पार्टी में महिलाओं को क्यों नहीं सशक्त बनाते, क्यों जब कुछ होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है और ऐसी जब महिला अत्याचार होते हैं तो जब महिला बोलने वाली नेत्रियों की आप बिल्कुल नहीं बोलती, न महंगाई पर बोलती है, न महिला अत्याचारों पर बोलती है और न किसी और मुद्दे पर बोलती है। ऐसी अशक्त महिलाओं को रखने का पार्टी जब विजय दिखाना चाहती है उससे कुछ साबित नहीं होता। आपको एक चीज बता दूं, महिलाएं जो है कमाल करती है लेकिन उन्हें मौके देने होते हैं, अवसर देने होते हैं, उन्हें सही रूप में सशक्त बनाना होता है। और आपने दोहा सुना होगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो परिवार को और परिवार को ज्ञान। अभी पार्टी ने बिहार जो किया लेकिन आगे अब वो परिवर्तन के लिए क्या कुछ करने वाली है उसका स्वागत फिर क्यों नहीं होना चाहिए? मनोज काका जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए जो कांग्रेस ने एक्शन लिया उसका रिएक्शन भी देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का बयान आया कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, सभी पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। ऐसे में आप लोग क्या करने जा रहे हैं?
शिल्पा आपने जितने बुनियादी सवाल किए और उन लोगों से आप महिला संवर्धन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो लोग जीवन संगनी को और जीवन साथी को बीच रास्ते में छोड़ देते हों, जो लोग बेटी को 2 बजे रात में जला देते हों, जो लोग चिन्मयानंद जैसे को अपना भाई बताते हों और जिस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको जेल भिजवा देते हों, जो लोग सिंगल साथी हों, ऐसे लोगों से। और आपने जब सवाल किया महंगाई पर तो ये भागते नजर आए बेचारे, इनको इनको शर्म नहीं आ रही है। एक एक करके प्लीज धनंजय जी आऊंगी आपके पास, आपको जो भी आपत्ति है, आपको जो भी क्वेश्चन करना होगा आप कर सकते हैं, लेकिन अपने समय वन बाय वन चिन्मयानंद पर एक शब्द बोल पाएंगे? ठीक है, चिन्मयानंद को छोड़ते हैं ना, बीजेपी को छोड़ते हैं ना, मनोज काका जी आप बीजेपी से हैं या समाजवादी पार्टी से? आप बीजेपी से हैं या सपा से हैं? छोड़िए सर, चलिए ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के राज में महिलाओं की स्थिति बेहाल है तो उनका सुनिए तो सही। इस बेवकूफ को पता ही मनोज का यादव जी, ये मनोज यादव जी के दलाल, चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, बेहाल है महिलाएं बीजेपी के राज में, आप समाजवादी वाले किस तरह से उनकी तस्वीर बदलने वाले हैं ये बताइए मनोज यादव जी। समाजवादी पार्टी महिला की सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी और महिलाओं को पुरुषों से आगे। अच्छा तो बता दीजिए ना फिर मनोज यादव जी, हमारा तो कांग्रेस तो 40 पुरुषों से भी आगे कैसे जाए? सुनिए, कांग्रेस तो 40% महिलाओं को टिकट देने वाली है, आप लोग कितना फीसदी? सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, माताओं बहनों के लिए आप लखनऊ में भी घूमेंगे जब पूरा, ठीक है, तो 1090 का एक आपको अगर सेंटर नजर आएगा धनंजय जी प्लीज, सेंटर माननीय डिंपल यादव जी के बन बाय बन सोच का, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन मोर टाइम, सतही लोग कहाँ है? हमारी पार्टी के नेता ने जान देने का प्रयास किया था और एक दलित महिला की इज्जत, जो चरित्र धनंजय जी ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है सर, जो साथी किसी को आपकी बात समझ में नहीं आई, एक एक करके रवि पारेषण जी आपके पास आते हुए का है और जो सिंगर का है वही चरित्र साथी का भी है। रवि पारेषण जी मेरा सवाल आपसे ये, उत्तर प्रदेश में 2012 और 2017 से पहले महिलाएं इतनी सजग वोटिंग को लेकर आती नहीं थी, लेकिन 2012 में भी वोटिंग पैटर्न बदला, 2017 में भी, 2012 की बात करें तो फीमेल वोटर्स ने, महिलाओं ने 60% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 2017 में ये 63% था आंकड़ा। ऐसे में कुल मिलाकर महिलाएं पावरफुल होती हुई राजनीति में महिलाओं का दबदबा बढ़ता हुआ और जाहिर तौर पर इसका असर फिर धरातल पर भी होता हुआ, महिला वोटर्स तक भी इसका संदेश पहुंचता हुआ। देखिए शिल्पा, जहां तक महिलाओं की राजनीतिक चेतना में लगातार जागृति बढ़ने का सवाल है तो बहुत एविडेंट है, हर चुनाव के बाद ये जो आंकड़ा हम देखते हैं कि महिला वोटरों ने बाकायदा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं दिखती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब महिलाओं में राजनीतिक जागृति जो है उसका स्तर काफी बढ़ गया है। लेकिन इसके पीछे अगर आप ये मान के चलें, भारत जैसे समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो ये पुरुषों के योगदान की वजह से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत जैसा समाज में महिला और पुरुष को हम अलग अलग एक पलड़े पे तोल दें। महिलाएं अगर अपने फैसले खुद कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरुष उनके घर में हैं उनकी भी इसमें एक बड़ा योगदान है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं महिलाओं को जो सवाल यहाँ पर एक डिस्कस हुआ कि महंगाई वाला जो मसला है, यकीनन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन रसोई से अगर हम केवल और केवल महिलाओं को जोड़ देंगे तो फिर महिलाओं के उत्थान की जो मूल भावना है, मुझे लगता है कि हम उसके साथ न्याय उतना नहीं कर पाएंगे। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सेना में जा रही हैं, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं नहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं? लेकिन किसी भी सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो या कोई भी कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र में सरकार हो, उसके उनके योगदानों को अपेक्षाकृत कम करके दिखाना, और मुझे लगता है कि पवन खेड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज एक बड़ा अच्छा बयान दिया है, उस पर शायद कांग्रेस को अमल भी करना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ, पहले किसने क्या किया है, ये बात छोड़ दें, इसको समग्रता से लागू करते हुए हम भविष्य में अब क्या करने वाले हैं इस पर बात करनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि कांग्रेस ने अगर ये एक फैसला किया है
और इस पर अगर ईमानदारी से अमल होता है तो देश की राजनीति में और हर प्रदेश में होता है, हर पार्टी के अंदर अगर इस तरह का एक विचार पनपता है तो देश के अंदर एक वाकई राजनीतिक परिदृश्य जो है, आज नहीं तो अगले पांच साल में 15-20 साल में मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के मसले, नियम कायदे अगर महिलाएं खुद ही बनाएंगी और खुद ही इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बॉडी है वो खुद ही बनेंगी तो ज्यादा संवेदनशीलता आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के इस फैसले पर मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को भी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं फिर कहूंगा, कि आप मोदी जी को योगी जी को टोकरी में रख के जितना घूमेंगे तो आप जो अच्छे काम करेंगे उनका प्रभाव फिर उतना नहीं पड़ेगा। आप अपने अच्छे कामों की तारीफ करिए, दूसरे ने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। लोकतंत्र में लोक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, केवल तंत्र महत्वपूर्ण नहीं होता उतना। अनुमा जी, लूंगी आपसे आपका रिएक्शन, लेकिन उससे पहले डॉक्टर डीएस मिश्रा, अब बीएसपी पिछली बार तो 21 महिला उम्मीदवार उतारे गए थे, इस बार कितने महिला उम्मीदवार आप लोग उतारने वाले हैं और कौन कौन से महिलाओं के वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनके दम पर आप 22 की बिसात बिछाएंगे? फिर मैं उसी बात पे आऊंगा। पहले तो मैं, जैसे प्रवक्ता लोग आपस में इस तरह से अभी फिर बहुत स्पष्ट नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कुछ अपशब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बात अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि महिला एक हमारी पूज्य है और पूज्य का मतलब ये निरीह नहीं होता। कभी भी ये आप ध्यान रखिए, जो हमारे बीजेपी के महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने सिलेंडर उज्ज्वला के दे दिया, आप कुछ नहीं देते हो, कोई सरकार कुछ नहीं देती, गलतफहमी छोड़ दीजिए। सरकार जनता का धन है और हराम का वोट के समय पे आप बांटते हो और उसके बाद 800 रुपए का जो सिलेंडर है और 800 रुपए आप सिलेंडर का दाम बढ़ा दो, आप बांट रहे हो 1% का वो और 99% आप दाम से वसूल ले रहे हो। तो ये तो वही हुआ ना कि फ्री में सिम दे दो और उसके बाद वसूलते रहो, ये आपकी पॉलिसी है। चूंकि आपकी व्यापार है, आप सरकार नहीं चलाते हो, बीजेपी वालों आप किसी भी रूप में सरकार नहीं चलाते हो, आप धंधा करते हो, आप पूरे देश का बेच रहे हो, हवाई अड्डों से लेकर सारी सिस्टम को बेच रहे हो। आप कतई किसी रूप में नेशनलिटी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय समृद्धि के लिए काम नहीं करते। आपको केवल यह है कैसे धन आएगा, अगर आप कैसे महिला मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं, प्राइमरी मोटो है तो ये जो शो महिलाएं देख रही है तो मैं बेहतरीन संदेश उन तक पहुंचता। इन्होंने उसको उठाया ना, महिला मुद्दों पर यह है जो हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई महिला छोड़ दी कोई, अरे आप अपने को देखो ना, आप अपने को देखो, क्या आपको गेस्ट हाउस कांड भूल गया? उससे बड़े महिला उत्पीड़न कोई हुआ था? एक मुख्यमंत्री स्तर की महिला को आप लोगों ने जबरदस्ती क्या किया? कहने का मतलब, लेकिन बुआ बबुआ जब साथ में आए तब आप लोग ये बात भूल गए थे क्या? चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, जाते जाते कांग्रेस ने ये बड़ा दांव खेल तो दिया, इसका क्या और कितना असर, किस हद तक आप लोग आधी आबादी का समर्थन ले पाएंगे, कितनी उम्मीद है, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग? अनुमा जी फाइनल कमेंट। ठीक है मिश्रा जी, सुन लेते हैं, फाइनल कमेंट लेने दीजिए सर प्लीज। मिश्रा जी सुन लेते हैं, मिश्रा जी अनुमा जी को सुन लेते हैं एक बार। हमारी जो नारियां हैं ये सशक्त हो, मिश्रा जी का फैक्ट डाउन किया जाए प्लीज। पीसीआर पॉजिटिव एजेंडा सेट किया है, लेकिन शिक्षा इनके पीछे आनी चाहिए, उसके ऊपर वो लागू भी करने वाली है, इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ये जरूरी है कि आज कांग्रेस ने जो किया है इसको हम ये ना देखें कि जीतना या हारना, पर देखिए ये पहल हुई है। और मैं तो ये कहूंगी जाते जाते कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। ठीक है मैम, रवि पाराशर जी फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद है आधी आबादी की, भविष्य की तस्वीर किस हद तक बदलने वाली है और ये कितना महत्वपूर्ण कि महिला मुद्दों पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए? रवि जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई शक और संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जिस समाज में महिलाएं पुरुष बराबरी के साथ
सशक्त हों वही समाज अंततः एक शक्तिशाली समाज हो सकता है और महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और जो पार्टी ऐसा करती है कर रही है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दलगत राजनीति का मुझे तो कोई विषय लगता नहीं है। लेकिन ये जाते जाते एक चीज और कहूंगा मैं कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि महिलाओं की उपेक्षा करती हो। बहुत सारे फैसले होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर होता है वो देखने वाली बात होती है। ठीक है डॉक्टर डी एस मिश्रा, फाइनल कमेंट्स के पास मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन तब से आप चुप ही नहीं हो रहे। सर अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही हो तो फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगे जाते जाते महिलाओं को लेकर बीएसपी कितनी तैयार है? बीएसपी पूरा तैयार है। बीएसपी अपने हित में हमेशा महिलाओं का सम्मान करेगी और टिकट देने में भी वो सम्मान करेगी, लेकिन योग्य और उत्तम प्रत्याशी देगी जो कहीं पे किसी तरीके के किसी भी व्यभिचार अत्याचार दुराचार से पीड़ित उससे हटेगा। बहन जी ने कह रखा है हम स्वच्छ छवि वालों को और अब ऐसा काट का उल्लू हम नहीं देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई परसेंटेज के नहीं कि कांग्रेस ने 40 कह दिया तो मैं 40 दूंगा। मैं 70 दे सकता हूँ, मैं 60 दे सकता हूँ, मैं 20% दे सकता हूँ। मैं दूंगा जो योग्य होगा हमारे यहाँ, जो लड़ने लायक होगा, जो सदन में जनता की बात उठाने लायक होगा, मैं 100% महिलाओं को टिकट दे सकता हूँ। इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? और देश को देना चाहिए, योग्य विधायक होना चाहिए, योग्य विधायक होना चाहिए, काट का उल्लू नहीं। यानी कि कांग्रेस ने जो कदम उठाया है अच्छा है, स्वीकार कर रहे हैं आप? स्वीकार कर रहे हैं आप? कोई अच्छा कदम नहीं है, ये नाटक है, यही तो समस्या है। अच्छा। कांग्रेस ने कदम नहीं उठाया, कांग्रेस नाटक कर रही है। 40% का एक नाटक इसने छेड़ दिया है, ठीक है। और मैं बताऊं आप तक लास्ट में इनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, अभी भी नहीं मिल रहा है। इनके यहाँ तो लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं तो 40% महिलाएं कहाँ मिलेंगी? उन्हीं वही जो पति नेतागिरी कर रहा है उसी की। चलिए अब जब दावा ठोका है कांग्रेस ने तो इस दावे को सच साबित करना भी उसी की हेडेक है। वो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है। चलिए ठीक है, वो कांग्रेस पर छोड़ देते हैं। वो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस कैसे इस घोषणा को हकीकत में तब्दील करती है। ठीक है धनंजय गिरी जी, आप लोग अपनी आधी आबादी को अपने पक्ष में रिटेन करने के लिए किस तरह से कोशिशों में लगे हुए हैं? क्योंकि विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार है सर इस पक्ष को आपसे छीनने के लिए। धनंजय गिरी जी जी, हम लोग वाचन में नहीं कर्मणा में जी, स्वप्न में नहीं हकीकत में, नारे में नहीं नीतियों में, वास्तविकता में, तथ्य में और कथ्य में नहीं, तथ्य में हकीकत में। जो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय मंत्रिमंडल में जितने बड़ा पोस्ट दिया गया कांग्रेस ने इतिहास में कभी नहीं दिया है। और नारी का जो हम सिर्फ वाचन में नहीं कर्मणा में हकीकत में जो सम्मान करते हैं और जिस ढंग से महिलाओं को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, छोटी से बड़ी योजनाओं पर हर स्तर पर जिस तरह से टेंशन कर रहे हैं वो देश की महिलाएं देख रही हैं। और देश की महिलाएं आदरणीय सशु नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़ी हैं। हर माँ उनमें अपना पुत्र, हर बहन उनमें अपना भाई देखती है और हमें नारे देने की जरूरत नहीं है। नीतियों बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मेरे पास समय बचत नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महिला कार्ड कांग्रेस ने खेल दिया है। प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में नजर आ रही है, आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है महिला कार्ड तो खेल दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है आपकी रणनीति है, लेकिन महिलाओं को सशक्त करना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, महिलाओं को सिर्फ एज अ वोटर यूज करके फिर उसे भूल जाना नहीं चाहिए। धरातल पर सत्ता में आने के बाद महिलाओं के सशक्त करने के तरीकों पर काम होना चाहिए ताकि उनका हर हाल में हर तरीके से उत्थान हो सके, वही असल मायने में असली सियासत होगी। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.